नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। एमडी एकेडमी के द्वारा कोहिनूर यूपी सीजन 2 का आयोजन किया गया। इस सहयोगी टीम प्राइम टीवी न्यूज चैनल और करियर काउच की टीम रही। इस प्रोग्राम में टैलेंट शो, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग कंपटीशन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री फिल्म एक्टर राजू श्रीवास्तव मौजूद रहे। वीआईपी गेस्ट की बात करें तो प्राइम टीवी के सीएमडी ऋषभ श्रीवास्तव और एमडी डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा, शुभांकर भट्टाचार्य, शिमुल बासुराय, शिवानी गुप्ता, डॉक्टर दीपराज तिवारी, एजाज सिद्दीकी, सर्वेश पाठक, अशोक कुमार सिंह आदि रहे। इस शो की ब्रांड एम्बेसडर कविता वर्मा रही। विजेताओं में कनक गुप्ता, मेघना, हार्दिक, कीर्ति सोनी के नाम शामिल रहे। सीजन 2 का आगाज किया गया। फिल्म एक्टर राजू श्रीवास्तव वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि वीआईपी गेस्ट की बात करें तो प्राइम टीवी के सीएमडी ऋषभ श्रीवास्तव, एमडी डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा, शुभांकर भट्टाचार्य, शुभुल बासुराय, शिवानी गुप्ता, डॉक्टर दीपराज तिवारी, एजाज सिद्दीकी, सर्वेश पाठक, अशोक कुमार सिंह आदि रहे। इस शो के ब्रांड एम्बेसडर कविता वर्मा रही और विजेताओं में कनक गुप्ता, मेघना, हार्दिक, कीर्ति सोनी के नाम भी शामिल रहे। खबर लखनऊ से है जहां पर कोहिनूर यूपी सीजन 2 का आयोजन किया गया, जहां तमाम कंटेस्टेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहां पे सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग और मॉडलिंग के लिए बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एमडी एकेडमी के द्वारा कोहिनूर यूपी सीजन 2 का आयोजन किया गया। इसके सहयोगी प्राइम टीवी न्यूज चैनल और करियर काउच की टीम रही। इस प्रोग्राम में टैलेंट शो, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग कंपटीशन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सरकार में कैबिनेट मंत्री फिल्म एक्टर राजू श्रीवास्तव मौजूद रहे। वीआईपी गेस्ट की बात करें तो प्राइम टीवी के सीएमडी ऋषभ श्रीवास्तव, एमडी डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा मौजूद रहे। MDA डांस एकेडमी और प्राइम टीवी प्रेजेंट्स कोहिनूर ऑफ यूपी 2021, ये 2 सीजन सेकेंड है, बट हमारे साथ इस वक्त सीजन 1 की विनर है। चलिए उनसे पूछते हैं कैसा था, और इनको तो छोटा लगता मंगेशवर ही बोला जाता था। आप चलते हैं, इनसे बात करते हैं। हाय, सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी एंड एमडीए एकेडमी का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को, अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। मैं सीजन 1 ऑफ कोहिनूर ऑफ यूपी की विनर रह चुकी हूँ, एंड यहीं से मुझे छोटी लता जी का टाइटल भी मिला था। मुकेश चंद्र श्रीवास्तवा मामा जी, जिन्होंने मेरी वीडियो बनाकर उसको वायरल किया था, वो वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ आए, एंड वहाँ से ही काफ़ी ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। देन माई जर्नी वेंट ऑन एंड वेंट ऑन। इन 1.5 साल में मैंने 50+ इवेंट्स कर लिए हैं। इसमें मैं कोविड टाइम के इवेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सो मोनी मासी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा, एंड आज जिस शो में मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी एज अ कंटेस्टेंट, कोई मुझे जानता भी नहीं था, आज सब लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एंड आई एम इन्वाइटेड हेयर एज अ स्पेशल गेस्ट। सो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। फाइनली मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि एक मूवी है, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया है एज एन एक्टर। मैं एक्टिंग भी करती हूँ, तो मेरी काफ़ी सारी छुपे हुए टैलेंट्स बाहर आ रहे हैं। बस इतनी ही है मेरी जर्नी, बहुत ही क्यूट सी है, मुझे पता है। थैंक्स प्राइम टीवी एंड एमडीए डांस एकेडमी, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे जो हूँ मोनी मैम की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे बताया कोहिनूर ऑफ यूपी इतना बड़ा शो है लखनऊ का। और आज ये जो मैंने अपने हाथ में सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और ये मेडल ले रखा है, ये केवल और केवल मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी शिक्षा से ही आज मैं यहाँ पर इसको हासिल कर पाई हूँ। और मेरे गुरु जी का नाम श्री प्रभात नारायण दीक्षित जी है, मैं बाराबंकी की रहने वाली हूँ, और मेरी एकेडमी का नाम बहार सुगम संगीत प्रभाग है, बाराबंकी में घंटा करते। तो आज मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है कि मैंने आज ये ट्रॉफी हासिल की। थैंक यू। अभी आया या मैं लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे चला आ रहा हूँ, अब उसी उतरा और सीधा यहाँ आ गया। वहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं रुचि जी,
मैडम आप ही कुछ चीजें गलत लिखी हुई है उनको आप ठीक कराइए, जबरदस्ती लिखी हुई लोग उससे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला वहां लिखा है जिन्हें कृपया बाएं हाथ से चले, किसी के बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने कोशिश किया, मैंने चलो लिखा है तो कोशिश कर ले, तो नहीं छिल गई एक जगह जी जी बात। और एक आगे क्या लिखा है, लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है, लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है। हमने कहा जब लिखा है स्वागत करता है तो खड़े हो गए, हमने शायद कोई आएगा लखनऊ नगर निगम। एक घंटा वहां खड़े रहे तब वो आप एक रिक्शे वाले ने बताया भैया इसे लिखा रहा था तो आवत नहीं आप जाओ। तो कुछ चीजें जबरदस्ती लिखी हो। एक पिछली बार एक गए थे निषादगंज किसी के यहाँ चाय पीने, तो मकान के बाहर लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा अच्छी बात है, इतना अच्छा संदेश दे रहे बच्चे दो ही अच्छे। घर के अंदर गए तो देखा उनके आंगन में 6 बच्चे खेल रहे। हमने कहा बाहर तो आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे, बोले नहीं बच्चे दो ही अच्छे हैं, 4 बदमाश हैं। MTA इंस्टीट्यूट करियर काउच और प्राइम टीवी के हम शुक्रगुजार हैं कि जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया है। सो एक्नॉलेजमेंट से डेफिनेटली मोटिवेशन भी मिलता है। और हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी अपने कार्यस्थलों पे काम कर रही हैं, जाके अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं, उन्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित महसूस करके सम्मानपूर्वक अपना काम करें और अपने इंस्टीट्यूशंस में जाके ज़रूर पूछें कि उनके इंस्टीट्यूट ने जहाँ पे भी 10 या 10 से अधिक लोग हैं काम कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनल कमेटी का गठन हुआ है या नहीं हुआ है। हमारी टीम लगातार इसके ऊपर काम कर रही है, पुलिस थानों के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, जितनी देर हम लोग यहाँ पर रहे हम लोग को लगा कि बिल्कुल हम लोग एकदम टेंशन फ्री माइंड फ्री हो गया। और जितनी जो प्रॉब्लम हो उतनी जो टेंशन होती है, ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहें तो। और फिर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर DCP महिला अपराध यहाँ पर आई, शहर की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर आई और सभी को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बेहद पसंद आया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें। तो मम्मी जी आपको कैसा लगा हमारे शो में पार्टिसिपेट कर? ये हमारा सौभाग्य है जो आज आप लोग हमारे बीच में हैं, मैं इसको अपने आप में लकी मानता हूँ। थैंक यू। एक चीज का तारुक और करा दूं, मम्मी जी अपने आप से तो बोलेंगे नहीं, मम्मी जी इतना कम बोलते हैं सबके सामने, लेकिन जब लड़ाई के मैदान में ये सबसे आगे रहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। DCP है, इन्होंने इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, सम्मानित करना तो बनता ही है, इनको सम्मान करने से लखनऊ को सम्मान मिलता है। मुझे आप बताएं फिलहाल कार्यक्रम कैसा लगा आपको? मिस्टर शुभांकर थैंक यू, यहाँ का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बच्चों को, जिन बच्चों को वाकई में मौका नहीं मिलता उन्हें आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी और वो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वी रियली एन्जॉयड दिस प्रोग्राम। रश्मि जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपना नाम बहुत देर से नहीं सुना था, आपकी वजह से अपना नाम सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा मैं DCP मैम के पास जा रहा हूँ, मेरे मुंह से कमिश्नर निकल रहा था, खैर ऐसा ही होगा, ऊपर वाला चाहेगा बिल्कुल। मैम आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा कार्यक्रम में? थैंक यू शुभंकर, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को एक फ्रंट लाइन स्टेज दे रहे हैं जिससे वो कल अपने देश का भविष्य और अपना भविष्य बना सकें और कल एक ऐसा माहौल बनाए जहां हमारा देश विश्व में सबसे आगे हो हर क्षेत्र में, ना केवल करियर के क्षेत्र में, पढ़ाई में, बल्कि आर्ट्स म्यूज़िक सभी क्षेत्र में हमारा देश, हमारे लोग, हमारे बच्चे आपके सहयोग से आगे बढ़े। थैंक यू शुभंकर वंस अगेन। प्राइम टीवी की खास खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। We'll be right back.